नमस्कार, न्यूज 11 से मैं राजकुमार मिश्रा। ढिकार निवासी सब इंस्पेक्टर शैलजा तिवारी के घर में घुसकर जान से मारने की गई कोशिश, साथ ही मोबाइल फोन भी लूटने की कोशिश की गई, जो कि रायपुर करचुलियान में पदस्थ हैं और वो अकेले घर में रहती हैं। जान से मारने की कोशिश चंदा सिंह पुत्री राशि सिंह पुत्र हर्षित सिंह द्वारा एक अकेले वृद्ध महिला के ऊपर मारने की कोशिश और लूट की वारदात देते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है, जो कि सिविल लाइन थाने में यह मामला दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि शैलजा तिवारी के हाथ की हड्डी भी क्रैक हो चुकी है, जिसका ये जो लड़का लिया वही मोबाइल है जेब में डाली। अच्छा उससे, हाँ करेक्ट, वो लड़की ये छुड़ाई है। ये लड़का बीमार है। चले गए, वो बेचारी मना कर रही है कि रहन दो। क्या घटना हुई आपके साथ और किन किन लोगों ने मिलकर आपके साथ मार दिया? मेरे साथ मारपीट और लूट और घर में घुस के बाहर निकाल के मारपीट, चंदा सिंह उसकी लड़की राशि सिंह लड़का हर्षित सिंह मिलके मारपीट की और मोबाइल छुराई। पहले चंदा सिंह छुराई तो गिर गया, तो ये जो बगल वाली थी वो लड़की लेके खड़ी थी तो उन्होंने उठाया मोबाइल, तो फिर उनके हाथ से वो निकाल ली राशि। अब बोले मोबाइल ले ले, जब सूचना न दे पावे किसी को उसने। अब फिर मेरे साथ मारपीट, जूता भी मारी, ऐसे भी मारपीट की और गाली गुटका गंदी गंदी दी, धमकी ये दी कि तुम ड्यूटी जाओगी रात में तो हम तुमको जान से खत्म करवा देंगे, हाथ गोड़ तोड़वा देंगे, अभी भी धमकी दे रहे कि हम हाथ पाँव तोड़वा देंगे। अब मेरा मोबाइल चुरा ली, उससे मेरा बहुत ही हुआ कि मैं किसी को सूचना नहीं दे रही। अब मोबाइल चुरा के अपने घर ले गई, घर में रखी थी मोबाइल। मैं थाना सिविल लाइन गई थी शिकायत करने, तो जो हमारे हाथ में ज़्यादा चोट लगी है और बॉडी में भी, मैं 62 साल की वृद्ध हूँ तो मेरी बॉडी भी हिल गई पूरा। अब बाद में उसका दर्द वो हो रहा है, उंगली भी टूट गई, नाड़ी भी टूट गई है। उसी के लाइन में बोले त्याग साहब की लिख के दे दो, तो मैंने लिख के दे दिया है और अभी तक उसका कुछ भी वो नहीं हुआ है। तो वो खुलेआम और धमकी मुझे दे रही है। मेरा नाम उप निरीक्षक शैलजा तिवारी है, मैं थाना रायपुर में पदस्थ हूँ। आज अभी मेडिकल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं मेडिकल ले गया। मैं उस समय घर में अकेली थी,
और अक्सर अकेली रहती हूँ मैं घर में। अब वृद्ध भी हूँ, मेरी उम्र लगभग 62 साल हो गई है। मैं वृद्ध भी हूँ, अगर वैसे कोई कार्रवाई सही धारा से नहीं की जाती है तो Audio Jungle.